नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर गोपाल लोहिया डोंबिवली से। हम लोग अगला मेडिसिन देखते हैं आज, जिसका नाम है वाइल्ड ओट, WILDOAT। दवाई के बारे में बताने से पहले मैं एक पेशेंट के बारे में बताऊंगा आपको, जो मेरे पास आया था। वो पेशेंट साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब था। उसकी वाइफ उसको लेके आई थी। पेशेंट भी ऐसा थोड़ा डिप्रेस लग रहा था और कोई काम करने में उसका मन नहीं लगता था, बिजनेस पे जाने का भी मन नहीं लग रहा था। तो मैंने पूछा उसको कि आप क्या करते हो, तो बीच में उसकी बीवी बोली, क्या क्या नहीं करते रहते, बोले डॉक्टर साहब आज तक इन्होंने 5 बार अपना बिजनेस बदला है, बोले। तो मैंने पूछा, अरे ऐसा क्यों, बिजनेस चला नहीं क्या, बोले चला नहीं ऐसा नहीं, सब बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहे थे, पहला बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन पता नहीं इनको क्या हो जाता है, एक दिन अचानक ताला लगा देते हैं और दूसरा कुछ तो नया बिजनेस चालू करते हैं। और सब बिजनेस जो भी करते हैं ना, इनको भगवान की दया से ऐसा है कि चारों पांचों बिजनेस में इन्होंने अच्छा पैसा कमाया। तो मैं वो आदमी को पूछा, भाई ऐसा क्यों करते हो, तो डॉक्टर साहब पता नहीं, पैसा तो मिल जाता है मुझे, बिजनेस कैसे करना मालूम रहता है, लेकिन मुझे मजा नहीं आता, कुछ दिन हो जाता है ना बिजनेस में मजा नहीं आता। तो वाइल्ड ओट का काम, उसको वाइल्ड ओट दिया। वाइल्ड ओट ये मेडिसिन का काम ऐसा रहता है कि ये लोग बुद्धि से तो बहुत होशियार रहते हैं, इनको समझ भी अच्छी रहती है, लेन देन का भी इनको अच्छा ज्ञान रहता है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है कि उनको मजा कौन से चीज में आ रहा है। तो उनको अगर मजा नहीं आया तो क्या होता है, वो चीज करने में बहुत मेहनत लगती है, फिर बाद में क्या होता है, उसका कंटाला आने लग जाता है कि बोर होने लग जाता है कि बस अभी पैसा मिल रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है, तो वो लोग छोड़ देते हैं। तो लाइफ में कैसी है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो इंस्टेबिलिटी दूर करने के लिए पता होना चाहिए कि अपने को क्या अच्छा लगता है। भगवान ने हर किसी को एक मकसद के साथ पृथ्वी पे भेजा है, आपको कुछ तो काम दिया गया है, लेकिन भगवान ने ये नहीं बताया है कि तुझे ये काम के लिए भेजा है। वो आपको समझना है कि भगवान ने आपको क्यों भेजा है, और वो जो काम के लिए आपको भेजा है, अगर आपको वही नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां पर वाइल्ड ओट का काम आता है। वाइल्ड ओट कुछ दिन लेने के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा काम अच्छा लग रहा है, विच प्रोफेशन यू लाइक मोस्ट। वाइल्ड ओट के जो लोग है वो बहुत इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, कोई भी काम उनको अगर आप दे देंगे तो बहुत अच्छे से वो करेंगे, और उनको समझ भी अच्छी रहती है। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें कर करके देख लेते हैं, फिर मजा नहीं आया तो छोड़ देते हैं। तो लेकिन ऐसा करने में, अभी 22 साल की उम्र में अगर एक एक करके करने को चालू करेंगे तो पूरे जवानी के 7-8 साल तो इसी में निकल जाते हैं। चलो ठीक है, बिजनेस का ठीक है, वे बंद कर दिया। कभी कभी क्या होता है, 12th के बाद में कौन से साइड में जाना चाहिए, आर्ट्स जाए, कॉमर्स जाए, कि डॉक्टर बन जाए, कि इंजीनियर बन जाए, तो कन्फ्यूजन रहता है। अगर गलती से भी लाइन गलत हो गया, और एक बार डिग्री मिल जाती है हाथ में, क्योंकि ये लोग इंटेलिजेंट भी रहते हैं, इनको डिग्री भी मिल जाती है, लेकिन वो फील्ड का काम करने में इनको मजा नहीं आता है, और लाइफ लॉन्ग डिग्री तो बदल नहीं सकते बाद में, एक बार जो मिल गई मिल गई, फिर लाइफ लॉन्ग वो काम जब ये करते हैं तो बेमन से काम करते, बेमन से काम करने की वजह से इनको कभी डायबिटीज हो जाता है, कभी ब्लड प्रेशर हो जाता है, या कभी थायराइड के प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, या हेयर फॉलिंग,
बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप जब भी पेशेंट का इंक्वायरी करते हो तो ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो शॉर्ट में एक लाइन में मैं आपको वाइल्ड ओट की जिस्ट बताता हूं। यदि जीवन में क्या करना है ये समझ में नहीं आता हो तो ये दवाई लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।